जैन दोस्तों, इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट टाइम कर रहे थे एच सी, ठीक है, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर इसने कहा, तीन आयताकार खेतों का क्षेत्रफल दे दिया, 180 मीटर स्क्वेयर, 135 मीटर स्क्वेयर, 120 मीटर स्क्वेयर। तीनों खेतों में बड़े से बड़े आकार और समान क्षेत्रफल के पार्क हैं जिनकी लंबाई 5 मीटर है, तो चौड़ाई क्या होगी? बड़े से बड़े का मतलब क्या हो गया? यहाँ से एच एफ महत्तम, तो महत्तम निकाल दें यहाँ पर हम। देखो तीनों संख्याओं का जो महत्तम है 180 मीटर स्क्वेयर, 135 मीटर स्क्वेयर और 120 मीटर स्क्वेयर, ये एरिया दे रखा है। तीनों का यदि हम महत्तम निकालेंगे, तीनों संख्या किससे भाग होती है? तीनों संख्याएं हमारी 15 से भाग होती है। किससे होती है? 15 से। चल देख लो, 135 को 120 से भाग करेंगे, 15 15 8 120, पूरा पूरा भाग हो गया। ठीक है, 180 को 15 से करेंगे, 15 एकम 15 15 12, वैसे 180 होता है। ठीक है, तो एच सी क्या है? 15 आया। ये जो 15 आया है, ये हमारा क्या है? ये एरिया था, तो ये भी एरिया होगा। क्या होगा भाई? एरिया ही होगा ये। ठीक है, तो क्या है ये एरिया? ये है पार्क का क्षेत्रफल। जो पार्क बनेगा, पार्क ही बना रहा है ना, हाँ, पार्कों का जो क्षेत्रफल बनेगा, प्रत्येक पार्क का क्षेत्रफल, वो बनेगा 15 मीटर स्क्वेयर। क्या बनेगा? 15 मीटर स्क्वेयर। जैसे घड़ी वाले क्वेश्चन में मैंने कहा था, ये मिनट है तो मिनट आएगा भाई, मीटर है तो मीटर आएगा, ऐसे। ठीक है, वही बात यहाँ पर है। ये एरिया का हमने महत्तम निकाला, तो एरिया ही आएगा। क्या आएगा? एरिया ही आएगा। ठीक है ना, मतलब लंबाई गुणा में चौड़ाई कितना है? 15 है, जिसमें लंबाई कितनी है? 5। चौड़ाई आपसे पूछी है, तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? चौड़ाई हो जाएगी 3 मीटर। क्या हो जाएगी? 3। कौन से ऑप्शन में है? सी। सी इज द राइट आंसर। समझ गया बात? क्या करना है आपको? इसने कहा समान एरिया, इक्वल एरिया के हमें पार्क बनाने हैं और बड़े से बड़े आकार के बनाने हैं। बड़े से बड़े का मतलब होता है महत्तम स्वार्थक निकालना। हम यहाँ पर क्या करेंगे? एच सी एफ निकालेंगे। यहाँ पर एच सी एफ कितना आया? 15 आया। ये एरिया आ गया। क्या आ गया? ये एरिया, पार्क का एरिया आ गया 15 मीटर स्क्वेयर। मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई यदि पार्कों की 15 मीटर स्क्वेयर है, जिसमें लंबाई 5 और चौड़ाई क्या होगी? 3 होगी भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, कर लोगे? जैसे सिंपल सी बात है, आपका एक तो घर है 25 मीटर स्क्वेयर का, एक है 20 का और एक है 15 का। आपके पिताजी बोले भाई इसमें इक्वल एरिया के कमरे बनाने हैं, तो कितने का बनेगा? सभी में क्या आता है? 5। आप कहो सर पिताजी एक काम करो, बराबर एरिया के बनाना चाहते हो और कोई जगह भी नहीं बचनी चाहिए, कोई जगह भी नहीं बचनी चाहिए, ठीक है, तो क्या कहोगे? पिताजी एक काम करो 5 का बना लो, 5 स्क्वायर फीट का कमरा बना लो। देखो 5 में क्या है? इसमें 5 कमरे बनेंगे, इसमें 3 और इसमें कितने बनेंगे? 4। वही बात यहाँ पर है, बस बात खत्म। ठीक है, कर लोगे? आगे देखो, ऐसा ही क्वेश्चन है। एरिया क्या दे दिया? 105, 147 और 231। ठीक है, समान एरिया के पार्क बनाने हैं, ठीक है, और बड़े से बड़े आकार के बनाने हैं, तो महत्तम निकालो इसका। एच सी एफ क्या आएगा? एच सी एफ महत्तम स्वार्थक, 147 को भाग करो, 147 को यदि 105 से भाग करोगे, 105 एकम 105, बच गया अपना कितना? 42। 105 को करो, 42 दूनी 84,
21, 21 दूनी 42, पूरा पूरा भाग हो गया 21, 21 इसको भाग करता है, बिल्कुल करता है, 21 11 231, पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो महत्तम कितना आएगा, 21 आएगा। ये क्या आ गया, प्रत्येक पारक का क्षेत्रफल एरिया कितना है, 21 मीटर स्क्वायर, कितना है 21 मीटर स्क्वायर। लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा में चौड़ाई यदि 21 मीटर स्क्वायर है, जिसमें लंबाई कितनी है 7, लंबाई कितनी है 7, चौड़ाई आपसे पूछी है, चौड़ाई कितनी हो जाएगी भाई 3 मीटर हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, यही आ रहा सबका सही। तीनों का हमने एचसीएफ निकाला, तीनों का हमने एचसीएफ निकाला है, ठीक है, महत्तम निकाला, तो क्या आ गया, प्रत्येक पारक का एरिया आ गया यहाँ से, ठीक है, जो पारक बनेंगे वो 21 बाई 21 के बनेंगे, ठीक है ना, समझ, मतलब जो भी एरिया बनेगा वो 21 का बनेगा, ठीक है, 21 मीटर स्क्वायर का, 21 बाई 21 तो नहीं बोल सकते, ठीक है, उसका एरिया तो 441 हो जाएगा, एरिया क्या बनेगा उसका 21 मीटर स्क्वायर बनेगा, ठीक है, जिसमें लंबाई गुणा में चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई पारक का क्षेत्रफल है ये, ठीक है, क्या ये पारक का क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, पारक का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई गुणा चौड़ाई 21 है, जिसमें लंबाई 7 और चौड़ाई क्या होगी 3 होगी, जैसे हमने वो नहीं किए थे क्वेश्चन, बराबर लंबाई मतलब बड़ी से बड़ी लेंथ का कपड़ा मापना है, या कोई भी शराब दी थी उसने, वही उसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रही, दो दांतेदार पहियों के 16 और 48 दांत है, बड़ा पहिया एक घंटे में 5 चक्कर लगाता है, तो बताएं कि 11 घंटे में बड़े पहिए का कोई निश्चित दांत छोटे पहिए के निश्चित दांत से कितनी बार मिलेगा, क्या मतलब इसका, देखो भाई दो पहिए, एक पहिया तो ये है, ठीक है, एक और बना देते हैं, एक बड़ा है, ठीक है, ठीक है, जैसे ये आपस में सटके चलते हैं, मान लो ऐसे बोल रहा है, दांतेदार पहिया, मतलब गरारी नहीं होती जैसे इंजनों में गरारी होती है, उसी टाइप की बात कर रहा है, ठीक है, अब मान लो ये दांत, ये एक पर्टिकुलर दांत है, मान लो अपना यहां का पॉइंट इस पर्टिकुलर दांत के साथ मैच मिल रहा है, मान लो इसके साथ, ठीक है, ये आपस में सट के चल रहे हैं, आपस में फंस के ऐसे मिलके चल रहे हैं, ठीक है, इसके कितने दांत बोला इसने, बड़े पहिए के हैं 24 दांत, कितने हैं 24, और इसके कितने हैं 16, ये छोटा है ये बड़ा पहिया है, ठीक। अब ये मान लो जैसे हमने पिछली क्लास में किया था भाई, एक चक्कर पूरा करता है ऐसे किया था ना हमने, ठीक है, ये छोटा पहिया है ये बड़ा पहिया है, ठीक, इसके 16 है इसके 24 है, एक कॉमन क्या हुआ, दोनों का एलसीएम क्या होगा 48, ठीक है, ये समझ लो, जब ये मान लो एक बार एक तरीके से ये मान लो, ये अपना 16 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, ये 24 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, ये 16 में करेगा तो पहली बार 16 में करेगा, अगली बार 32 में, अगली बार 48 में, और ये एक 24 में करता तो अगली बार 48 में करेगा, एक कॉमन टाइम क्या हुआ, कॉमन टाइम हुआ हमारा 48, एक बार मैंने इसको मिनट मान लिया,
दांत की बजाय इसको मैंने क्या मान लिया, मिंट मान लिया, ठीक है। अब देखो तो ये 16 में करेगा, जब ये 16 होगा दोबारा कितना होगा 32, फिर 48, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको जब दोबारा उसी पोजिशन पर आना हो, दोबारा उसी पोजिशन पर आना हो तो 32 मिनट बाद आएगा, फिर अगली बार 48 मिनट बाद, वही बात यहाँ पर है, ये 24 है तो अगली बार कब आएगा 48, तो ये एक बार में मिला, शुरुआत में मान लो मिले हुए हैं, तो अगली बार कब मिलेगा, जब तीन चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा, तीन चक्कर लगाएगा, ठीक है, तो एक बार मिलेगा, इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, दो चक्कर लगाने पड़ेंगे, कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, दो, देखो एक बार ये मिले हुए थे शुरुआत में, जब ये तीन चक्कर लगाएगा दोबारा उसी पोजिशन पर आएगा, जब उस समय ये कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे इसको, दो, पहले चक्कर में यहां पर आता है, दूसरे चक्कर में फिर यहां पर आता है, जब ये दूसरा चक्कर लगाएगा तब तक ये कितने चक्कर लगा चुका होगा, तीन, सिंपल सी बात है, इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा फिर एक बार मिलेंगे। अब बड़े पहिए का जिक्र हो रहा है तो हम बड़े को ही लेके चलेंगे, ये बात ध्यान रखना, इसका मतलब बड़े पहियों को कितने चक्कर लगाने पड़े, दोबारा मिलने के लिए कितने चक्कर लगाने पड़े, दो चक्कर लगाने पड़े, दोबारा उसी पोजिशन पर आने के लिए कितने चक्कर उसको लगाने पड़े, दो चक्कर उसने लगाने पड़े, ठीक है। अब बात किसकी कर रहा है, ये कह रहा है एक घंटे में पांच चक्कर लगाता है, ठीक है, एक घंटे में यदि पांच चक्कर लगाता है तो 11 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा, 55 चक्कर लगाएगा, कितने चक्कर लगाएगा भाई, 55, ठीक है। हमें पता है दो चक्कर जब लगाएगा तो एक बार मिलेगा, ऐसे ऐसे क्या होगा, अगली बार फिर चार में लगाएगा, फिर छह में लगाएगा, फिर आठ में लगाएगा, ऐसे कर रहा है ये, ठीक है, ठीक है। 55 बार, 55 चक्कर की, 55 चक्कर में हमें कितने चक्कर, 11 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा, वो 55 चक्कर लगाएगा। देखो बड़े पहिए की हम बात करें, बड़ा पहिया जब दो चक्कर लगाता है तो एक बार मिलता है, ठीक है, एक बार मिलता है, तो अगली बार में चार लगाएगा, फिर चार चक्कर में मिलेगा अगली बार, फिर छह में, फिर आठ में, फिर दस में, फिर बारह में, फिर चौदह में, फिर सोलह में, ऐसे। एक बात बताओ, क्या उसमें 55 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये दो के मल्टीपल में चल रहा है, समझ गए ना बात, किसके मल्टीपल में चल रहा है, ये दो के मल्टीपल में चल रहा है, तो हमारा 55 तो आएगा ही नहीं इसमें। इसका मतलब क्या होगा, 54 देख लेते हैं, कितने चक्कर में, 54 में कितना गुना है, 27 गुना, तो कितनी बार मिलेगा, 27 बार मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, 27 बार मिलेगा, ठीक है। मगर एक बार शुरुआत में भी तो मिला हुआ था, जैसे घंटी के क्वेश्चन में हमने किया था भाई कितनी बार बजेगी, वही बात यहां पर है, एक बार शुरुआत में और कब, शुरू में, तो कितनी बार मिलेगा, वो 28 बार मिलेगा, कितनी बार मिलेगा, 28 बार। दोबारा देखो, हमें पता है छोटा पहिया जब तीन चक्कर लगाता है तो दोबारा उसी पोजिशन पे आता है, बड़े पहियों को कितने चक्कर लगाने पड़े, दो चक्कर लगाने पड़े। हमें पता है बड़ा पहिया जब दो चक्कर लगाएगा तो दोबारा उसी पोजिशन पे आ जाएगा, बड़ा पहिया जब दो चक्कर लगाएगा तो दोबारा उसी पोजिशन पे आ जाएगा। हमें पता है इसने कहा एक घंटे में पांच चक्कर लगाता है, एक घंटे में पांच चक्कर लगाता तो 11 घंटे में कुल कितनी बार मिलेगा। देखो एक घंटे में पांच चक्कर लगाए तो 11 घंटे में कितने चक्कर लगाएगा, पांच गुना है तो 11 घंटे में कितना हो जाएगा, 55 चक्कर लगाएगा वो। 55 चक्कर में हमें पता है बड़ा पहिया जब घूमता है तो दो चक्कर में एक बार मिलता है, तो चार चक्कर में दो बार मिलेगा, तो ऐसे ऐसे जो चक्कर हो रहा है किसके मल्टीपल में हो रहा है, दो के मल्टीपल में हो रहा है, दो में एक बार, चार में दो बार, छह में तीन बार, ऐसे। तो हमारा दो के पहाड़े में तो 55 आता ही नहीं है, तो हम शुरुआत में क्या देख लेते हैं कि 54 में कितनी बार मिलेगा, 54 में कितनी बार मिलेगा, वो 27 बार मिलेगा। 54 में यदि 27 बार मिलता है, 55 में मिलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। उस समय ये पता नहीं कहाँ गया होगा, उस समय जब इसका 55 चक्कर पूरे होंगे उस समय पता नहीं ये कहाँ गया होगा, ठीक है। अब देखो 54 चक्कर में कितनी बार मिला, 27 बार। एक बार शुरुआत में भी तो मिला हुआ था, स्टार्टिंग का पॉइंट शुरुआत में मिला हुआ था, उसको भी हम यहाँ पर काउंट करेंगे, तो कुल 11 घंटे में कुल कितनी बार मिलेगा, वो 28 बार मिलेगा, ठीक है। जैसे हमने घड़ी के क्वेश्चन में किया था वैसे सेम टू सेम प्रोसीजर है।
नेक्स्ट क्या बोला इसने, तीन संख्याओं का महत्व एक पंक्ति में लिखकर न्यूनतम अंकों से भाग देकर ज्ञात किया जाता है। शुरू से अंत तक भाजक क्रमशः दो दो तीन पाँच है, अंतिम पंक्ति में एक दो तीन आता है। यह मान लिया जाए कि प्रत्येक अंक से भाग देने पर तीनों संख्याएं विभक्त होती है तो संख्याएं बताओ। देखो ये लैंग्वेज आपके समझ में नहीं आएगा, ये कह रहा है कोई संख्याएं हैं तीन, अब न्यूनतम अंकों से भाग देकर महत्तम स्वाभाजक इसका निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है एचसीएफ, कम से कम संख्याओं से भाग देकर, और कम से कम संख्या जिससे भाग किया वो क्या है, दो दो तीन और पांच, और अंतिम में लास्ट में क्या आता है, लास्ट में क्या बचता है, एक दो और तीन बचता है। क्योंकि हम महत्तम इस तरीके से भी तो निकालते हैं, आपको याद हो तो दो विधि आपको सिखा रखी है, गुणनखंड विधि और भाग विधि, ठीक है। ये कह रहा है ये तीन संख्याएं हैं, इनका जब हमने महत्तम निकाला, ठीक है, वो दो दो तीन और पांच से भाग हुई, किस किस से भाग हुई, दो दो और तीन से पूरा, दो दो तीन पांच से पूरा पूरा भाग हुई, और आखिरी में ये बचा। और जब पूरा पूरा भाग हो जाती है वो क्या होता है, जिनसे पूरा पूरा भाग हो जाएगी वो क्या होगा हमारा, वो हमारे लिए महत्तम होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा वो महत्तम। तो महत्तम क्या हो गया, दो गुणा में दो गुणा में तीन गुणा में पांच, कितना हो गया 60। इसका मतलब जिन संख्याओं को इसने भाग किया है उनका महत्तम कितना है 60 है। भाग करने के बाद लास्ट में क्या बचता है, हमेशा लास्ट में बचता है अनुपात, क्या बचता है अनुपात। इसका मतलब ये जो नीचे बचा हुआ ये हमारा रेशो है, क्या है रेशो अनुपात, और अनुपात से संख्या कैसे बनाई जाती है, महत्तम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे महत्तम के साथ, करो फिर 60 120 180, 60 120 और 180 यही हमारा आंसर हो जाएगा, 60 120 180, ठीक है। या आप इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, क्योंकि ये संख्याओं का अनुपात है, ये संख्याओं का अनुपात है, एक दो तीन क्या ये अनुपात है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें अनुपात एक दो तीन बनता हो, एक दो तीन अनुपात किस में बनता है, एक दो तीन अनुपात सिर्फ इसी में बनता है, एक दो तीन इसमें भी बनता है, वैसे तो देखा जाए तो देखो एक दो तीन बनता है, मगर इनका जो महत्तम है एक दो तीन दो ऑप्शनों से बनता है, इससे बनता है और इससे बनता है, इससे भी एक दो तीन बनता है, इससे भी एक दो तीन बनता है, मगर इनका जो महत्तम है इनका महत्तम कितना होना चाहिए, सात सात के साथ 60 होना चाहिए, इसका महत्तम 60 नहीं है, 60 किसका महत्तम है, बी ऑप्शन का, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देखो ये क्या कह रहा है, तीन संख्याएं हैं, हम ऑप्शन से कर लेते हैं, बाय ऑप्शन भी कर सकते थे यहां पर, विकल्प के माध्यम से कैसे करेंगे, देखो तीन संख्या 60 120 180 मिनिमम नंबर से हमें डिवाइड करना है, जैसे दो से किया 30 60 90, फिर दो से किया 15, ठीक है 30 और 45, फिर तीन से किया 5, ठीक है यहाँ से हो जाएगा हमारा, तीन से करेंगे तो 5, तीन से करेंगे तो 10, तीन से करेंगे तो 15, फिर 5 से करेंगे 1 2 और 3। अब महत्तम तो यही मानेंगे जो सभी संख्याओं को भाग कर दे वो महत्तम होता है, इसने कहा भाजक क्या है 2 2 3 5 है, क्या भाजक 2 2 3 5 है, बिल्कुल है, और आखिरी में क्या बचा 1 2 3 बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है, तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है, क्या 60 120 और 180। अब लैंग्वेज पढ़ो, ये कह रहा है तीन संख्याओं का महत्तम एक पंक्ति में लिखकर न्यूनतम अंकों से भाग देकर ज्ञात किया जाता है, हमने महत्तम ऐसे निकाला है, ठीक है, और अंत में किससे भाग हुआ वो 2 2 3 5 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, अंतिम पंक्ति में क्या बचता है 1 2 3, लास्ट रो में क्या बचता है 1 2 3 बचता है। यह मान लिया जाए कि प्रत्येक अंक से भाग देने पर तीनों संख्याएं पूरा पूरा भाग होती है, ये कह रहा है जब इन संख्याओं को हम भाग कर लेते हैं भाग करते हैं तो तीनों संख्याएं इनसे भाग होती है। अब इनसे भाग होगी तो महत्तम तो यही होगा, क्योंकि जो संख्याओं को भाग कर दे वो क्या होता है हमारा महत्तम होता है, इसका मतलब महत्तम ये है, ठीक है, तो संख्याएं बताओ, इसका मतलब ये हुआ ये हमारा महत्तम है, ये हमारा अनुपात है, और अनुपात से महत्तम कैसे बनाते हैं, महत्तम की अनुपात के साथ गुणा करोगे तो क्या बनेगी संख्या बनेगी। कई बच्चों को तो इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, भाई करना क्या चाह रहा है, समझ गए बात, तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो इसी का भाई आएगा एक और,
करो। देखो दो संख्या का महत्तम निकालने पर अंतिम भाजक 35 है और ऊपर से नीचे से भागफल, इसका मतलब अब की बार जो महत्तम निकाल रहा है वो भाग विधि से निकाल रहा है, तभी तो इसने बोला उसका भागफल, ठीक है ना। दो दो एक तीन बचता है तो संख्या बताओ। देखो मान लिया ए और बी दो हमारी संख्या है, ठीक है, हम बी को भाग करेंगे ए से, कोई रिमाइंडर बचेगा सी, कोई रिमाइंडर हमारा सी बचेगा, ठीक है, फिर सी से किसको भाग करेंगे, हाँ भाई किसको भाग करेंगे, ए को भाग करेंगे, फिर हमारा कोई रिमाइंडर बचेगा यहाँ से डी, ठीक है, फिर डी से किसको भाग करेंगे हम, सी को भाग करेंगे, ठीक है, हमारा कोई रिमाइंडर यहाँ से बचेगा, हमारा कोई रिमाइंडर बचेगा यहाँ से ई, फिर उसको भाग करेंगे, ठीक है, तो वो संख्या पूरा पूरा भाग हो जाती है। और आखिरी जो भाजक है वो कितना है भाई, कितना बोला इसने 35, और ऊपर से नीचे तक भागफल क्रमशः क्या क्या है, दो दो एक तीन बचता है, और जो संख्या इसको पूरा पूरा भाग करेगी वो हमारा क्या है, आखिरी भाजक है, वहां से शेष क्या बचेगा, वहां से शेष आपका जीरो बचेगा, क्योंकि पूरा पूरा भाग करता तो शेष क्या बचेगा, जीरो बचेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो अब ये कैसे निकालते हैं पता ही होगा आपको भाई, यदि आपको निकालना पड़ जाए, ये हमारा डी है, ठीक है, अब डी निकालना पड़ जाए तो कैसे निकालते हैं, अभी आप एक बात बताओ भाज्य कैसे निकाला जाता है, भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेष, ऐसे निकालते हैं, यही होता है फॉर्मूला, ठीक सही। डिविडेंड कैसे निकालेंगे, डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, यही बात है, ठीक है, डिविडेंड डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो हम यहां से डी निकालेंगे, सबसे पहले इन दोनों ही गुणा 35 गुणा में 3 प्लस में रिमाइंडर कितना हो गया, 105 हो गया भाई, मतलब डी का वैल्यू कितना आ गया, 105 आ गया, डी हमारा 105 आ गया भाई, ठीक है। दो दो क्या बोला था इसने, दो दो एक तीन है, अब देखो 105 आ गया, 105 यहां रख दो, 105 हम अब क्या निकालेंगे, हम सी निकालेंगे, सी कैसे निकलेगा, 105 गुणा में 1 प्लस में रिमाइंडर, यहां पर रिमाइंडर क्या है 35 ई, तो कितना हो गया 140 आ गया, ठीक है, उसके बाद सी का वैल्यू आ गया 140, कितना आ गया 140 आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब की बार हम ए निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, ए कैसे निकलेगा, इसकी गुणा प्लस में शेष, इसकी गुणा प्लस में शेष करो, 280 प्लस में 305 385 आ गया, मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से ए की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई 385, कितनी आ गई 385। अब बी निकालो, बी कैसे निकलेगा, 385 गुणा में 2 प्लस में रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है 140 है, तो यहाँ से आएगा 910, तो इसका मतलब जो दो संख्या कौन कौन सी है, 385 और 910 है, तो ए हमारी संख्या 385 और बी हमारी संख्या है 910, कौन से ऑप्शन में है, 385 910, तो डी ऑप्शन में, तो डी इज द राइट आंसर, समझ गए बात। भाग विधि से ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कह रहा है दो संख्याओं का हमने भाग महत्तम निकाला तो ऊपर से नीचे तक टॉप टू बॉटम
टॉप टू बॉटम की बात कर रहा है ये, टॉप टू बॉटम, ठीक है ना, ऊपर से नीचे तक भागफल क्रमश दो दो एक तीन बचता है, और अंतिम का जो भाजक है, लास्ट जो डिवाइजर है, वो कितना है, 35 है। तो डी कैसे निकालेंगे, इन दोनों ही गुणा प्लस में शेष, शेष हमारा कितना है, जीरो, ठीक है। उसके बाद इससे क्या आएगा निकल के, डी आएगा, डी यहाँ पुट कर दो, डी 105 आया हमारा, डी आया सबसे पहले 105, तो डी 105 यहाँ पुट किया, तो डी गुणा में 1 प्लस का रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 35, तो वहाँ से निकल के आया अपना किसकी वैल्यू, सी की वैल्यू, सी कितना आया हमारा 140 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 140 यहाँ पुट कर दिया, सी 140 गुणा में 2 प्लस का रिमाइंडर, तो यहाँ से कितना आया अपना 385 आया निकल के, ठीक है, 385 आया, 385 किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू है, फिर बी निकालेंगे, 385 गुणा में 2 प्लस का रिमाइंडर, वहाँ से क्या आएगा 910 आएगा। हमने क्या देखा है, हमने दो संख्या मानी थी, कौन कौन सी, ए और बी, तो उन्हीं का हमने वैल्यू निकाला है, ए और बी, ए कितना 385 और बी कितना हमारा 910, इसका मतलब जो संख्या है वो कितनी है, 385 और 910 है, समझ गए बात, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या बोला, ये एक्स क्यूब प्लस का के एक्स प्लस का 6, इसका जो एच सी एफ हो कितना है, एक्स माइनस का 2 है, तो के का मान क्या होगा, देखो यदि इसका महत्तम एक्स माइनस का 2 है, महत्तम की खास बात क्या होती है, महत्तम की खास बात यह होती है वो संख्या को पूरा पूरा भाग करता है, महत्तम की खास बात क्या होगी, वो संख्या को क्या करेगा, पूरा पूरा भाग करेगा, और पूरा पूरा भाग करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, जीरो आएगा, सिंपल सी बात है। महत्तम क्या होता है, महत्तम वो संख्या होती है जो पूरा पूरा डिवाइड करेगी, और पूरा पूरा डिवाइड करे तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा, इसका शेषफल क्या आएगा मेरे भाई, जीरो आएगा, इसलिए इसके बराबर में क्या रख दिया मैंने, जीरो रख दिया, ठीक है। तो एक्स माइनस का 2 बराबर 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आई, 2 आ गई, एक्स की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पुट कर दो, 2, 2 का क्यूब प्लस का 2 के प्लस का 6 बराबर 0, कितना हो गया 8 प्लस का 2 के प्लस का 6 बराबर 0, 2 के प्लस का 14 बराबर 0, 2 के बराबर है माइनस का 14, के का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा, क्या है ऑप्शन में, बिल्कुल है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां पर आपसे तीन बातें बोल सकता है, एक्स माइनस 2 इसका महत्तम है, या बोल देगा एक्स माइनस 2 इसका फैक्टर है, इसका गुणनखंड है, फैक्टर, या बोल देगा, या एक लैंग्वेज ये भी बोल सकता है, x माइनस 2 से यह इक्वेशन पूर्णतः विभक्त है, ठीक है, या विभाजित लिख लो, कंप्लीट डिवाइड, तीनों का मतलब एक ही होता है, इसका मतलब भी यही होता है, इसका मतलब भी यही होता है, इसका मतलब भी यही होता है, क्योंकि महत्तम भी पूरा पूरा भाग करता है, फैक्टर भी क्या होता है, जो फैक्टर बनेगा वो क्या होगा, वो भाग करेगा उसको पूरा पूरा, और ये बोल भी देता है भाई उससे पूरा पूरा भाग होता है, तीनों लैंग्वेज एक ही है, तीनों का मतलब एक ही है, इसके बराबर जीरो रखो। यदि कोई रिमाइंडर देता है कि भाग करने पर रिमाइंडर ये बचेगा, तो हम रिमाइंडर यहाँ पर वो रिमाइंडर रखेंगे, अदरवाइज यहाँ पर क्या मानेंगे, जीरो, इसको भी जीरो के बराबर मानो, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ से हमारे पास दो, दो वैल्यू पुट कर दो, जो आएगा वो आपका उत्तर होगा, आ रही बात समझ में, तो इसका उत्तर कितना आएगा, के इजिकल टू माइनस का 7। नेक्स्ट अगला ऐसा क्वेश्चन देखो, क्या बोला इसने, 2x स्क्वायर माइनस का के एक्स प्लस का 8, इसका जो एचसीएफ हो कितना है, एचसीएफ है एक्स माइनस का 4, हम मान लेते हैं x माइनस 4 जीरो के बराबर है, x की वैल्यू क्या आई, 4, तो इसको किसके बराबर मानेंगे हम, पूरा पूरा भाग हो करता होगा, इसका मतलब महत्तम है जो इसको पूरा पूरा भाग करेगा, ठीक है। अब भाग करेगा तो यहाँ से क्या होगा, भाग करेगा तो यहाँ से रिमाइंडर क्या बचेगा, जीरो बचेगा, ठीक है, तो रिमाइंडर जीरो बचेगा, तो यहाँ से हो जाए वैल्यू पुट करो 2
चार का स्क्वेयर माइनस का चार एक्स के प्लस का आठ बराबर जीरो, सोलह दुनी बत्तीस, चार के प्लस का आठ बराबर जीरो, ठीक है, चालीस माइनस का चार के बराबर जीरो, चार के बराबर है चालीस, के का वैल्यू क्या आएगा दस, है किसी ऑप्शन में, बिल्कुल है, के इज द टेन, के का मान क्या आएगा दस आएगा यहाँ से, समझ के बात, सेम टू सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या कर रही है, ए एक्स क्यूब नाइन एक्स स्क्वेयर प्लस का फोर एक्स माइनस का एट, आप इसको महत्तम नहीं बोलेंगे, आप ये कह सकते हो यहां पर, इसको ऐसे लिख लो, एक्स माइनस एक्स प्लस का तीन से भाग करते हैं, जब एक्स प्लस के थ्री से भाग करते हैं, क्योंकि महत्तम तो पूरा पूरा भाग करता है ना भाई, वह तो रिमाइंडर जीरो बचेगा, एक्स प्लस थ्री से भाग करते तो रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा, माइनस का बीस बचेगा, ये बात है, ठीक है। अब ए का वैल्यू निकालना है, इसने कहा कि रिमाइंडर क्या बचेगा भाई, रिमाइंडर बचेगा माइनस का बीस, रिमाइंडर इसने दिया है, भाग किससे करना है, एक्स प्लस का थ्री से भाग करना है, इसके बराबर जीरो रखो, एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस का थ्री आएगी, इसकी ये है, ये कह रहा है बहुपद, ऐसे बोलेगा लैंग्वेज में, बहुपद पोलीगन पोलिनोमियल बोलते हैं, पोलिनोमियल, ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस का नाइन एक्स स्क्वेयर प्लस का चार एक्स, ये लैंग्वेज है इसकी, को जब एक्स प्लस तीन से भाग देते हैं, से विभक्त करते हैं, तो माइनस बीस शेष बचता है, तो ए का मान क्या होगा, ठीक है। अब देखो ए का वैल्यू निकालना है, तो यहां से हमारा एक्स का वैल्यू क्या आया, माइनस का तीन पुट कर दो, ए माइनस तीन का क्यूब नाइन माइनस तीन का स्क्वेयर चार माइनस तीन माइनस आठ माइनस का बीस, पुट करो, ये कितना हो गया, माइनस का सत्ताईस ए, ए है ये बात ध्यान रखना, ए माइनस स्क्वेयर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, निम्न निम्न इक्यासी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कितना हो गया, माइनस का बारह माइनस का आठ बराबर माइनस का बीस। अब ये देखो, ये हमारा 20 हो गया माइनस का, ये उस ये भी माइनस का तो कट जाएगा, ऊपर जाए उस साइड जाके प्लस का होगा तो ये कट जाएगा, यहाँ से क्या बचा, 81 माइनस का 27 ए बराबर जीरो, 27 ए बराबर है 81, ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 81 बटे 27 बोले तो 3, तो ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ से 3 होगी, बस नई कोई बात नहीं है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा, ठीक है, जो यहाँ पर लिख रखा है, महत्तम नहीं बोल सकते इसको आप, महत्तम मत बोलना, क्योंकि महत्तम जो जो होगा वो पूरा पूरा भाग करेगा ना भाई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या बोला, इस संख्या को जब हम x प्लस थ्री से डिवाइड करते हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय x प्लस का थ्री लीव्स द रिमाइंडर माइनस 20, तो इसका रिमाइंडर 20 बचता है माइनस का, ठीक है, कि रिमाइंडर प्लस का भी होता है माइनस का भी होता है। अब यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू क्या आई, माइनस का 3 आया, x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, जहाँ जहाँ x है वैल्यू पुट कर दो, क्यूब है तो माइनस ही रहेगा, क्योंकि माइनस की तीन बार गुणा करते हो माइनस होता है, ये स्क्वेयर है पॉजिटिव बना देगा, ठीक है, ये घट जाएगा इस साइड जाके, क्योंकि माइनस का 20 बना, माइनस का 20 उस साइड जाके प्लस का होगा तो कट जाएंगे, ठीक है, माइनस का 27 ए बराबर उस साइड जाके 81 प्लस का हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आई यहाँ से हमारे, ए की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है, कर लोगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्या कराइए, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, क्या बोला इसने, दो प्राकृतिक संख्याओं का लघुत्तम उसके महत्तम के द्वारा विभाजित होता है, ठीक है, महत्तम और लघुत्तम का योग उनके गुणफल के बराबर होता है,
यदि दो अभाज्य संख्याओं का दो अभाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्याएं हैं तो उसका लघुत्तम एक होगा। दो संख्याओं का महत्तम दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाजक होता है। लघुत्तम है ये, लघुत्तम। बताओ देखो, दो संख्याओं का जो लघुत्तम है, दो संख्याओं का जो लघुत्तम है वो क्या होगा, उसके महत्तम को पूरा पूरा भाग करेगा, महत्तम से पूरा पूरा भाग होगा। सिंपल सी बात है कि जो लघुत्तम होता है हमेशा किससे डिवाइड होता है, महत्तम से होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। ये यहाँ पर इंग्लिश में लघुत्तम दे रखा है तो लघुत्तम लिखो ना, यहाँ पर महत्तम है तो यहां पर महत्तम लिख लो, एचसीएफ लिख लो यहां, ठीक है। अब देखो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल सही है, हमें पता लघुत्तम जो है हमेशा किससे भाग होता है, महत्तम से भाग होता है, ठीक है। अब इसने अगली स्टेटमेंट क्या बोली, दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम का योग उसके गुणफल के बराबर होता है। नहीं, लघुत्तम और महत्तम का गुणफल हमेशा उसके गुणफल के बराबर होता है, इन दोनों का प्लस कभी नहीं होता, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दो सहभाज्य संख्याओं का जो लघुत्तम एक होता, नहीं, दो सहभाज्य संख्याओं का लघुत्तम एक नहीं होता, उनका जो महत्तम होता है वो एक होता है, ठीक है। इसने क्या बोला, दो संख्याओं का महत्तम जो दोनों संख्याओं का सबसे छोटा भाजक होता है, नहीं, हाइयर कॉमन फैक्टर हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है वो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला इसने, दो संख्याओं का अनुपात इतना दे दिया, यदि उनका महत्तम इतना है तो दो संख्याओं का योग क्या होगा। अब अनुपात से संख्या कैसे बनाओगे आप, अनुपात से संख्या बनाते हैं उससे गुणा करके, इसके साथ भी गुणा करोगे, इसके साथ भी गुणा करोगे, ठीक है। आप सीधा क्या करो, इन दोनों का योग कितना हो गया, दोनों का योग हो गया यहाँ पर 17, ठीक है, 17 गुणा में 28 कर दो, ठीक है, 7 8 56, लास्ट में 6 किस में आता है, इसमें आता है, तो गुणा यही होगी हमारी 476, ठीक है। क्योंकि अनुपात की महत्तम के साथ गुणा करें तो क्या बनेगा हमारा, अनुपात की महत्तम के साथ गुणा करें तो क्या बनेगा, संख्या बनेगी। इसने संख्याओं का योग पूछा है तो हम अनुपातों का योग करके और महत्तम के साथ गुणा कर देंगे तो वहां से क्या आ जाएगा हमारा, उन संख्याओं का योग आ जाएगा। अदरवाइज ये तरीका भी है भाई, पहले आप संख्या बना लो, ठीक है, इसके साथ भी गुणा कर लो और इसके साथ भी गुणा कर लो, ठीक है, जो आएगा जो भी आएगा उन दोनों का जो जोड़ है वो क्या हमारा 476 है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला इसने, दो संख्याओं का जो गुणफल है वो 6845 है, यदि उनका महत्तम 37 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था मैंने, जो मैंने कहा था कि दो संख्याओं का जो गुणफल है वो 2160 है, ठीक है, उनका महत्तम यदि आपका 12 है तो संख्या आपने बनाई थी, बताएं इसमें, वहाँ पे आपने फैक्टर बनाए थे, वही क्वेश्चन ये है।
देखो हम मान लेते हैं जो हमारा अनुपात है वो ए अनुपात बी है। संख्या कैसे बनाते हैं? 37 से गुणा करके। रेशो को जब हम एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी, वहां से संख्या बनेगी, वो 37 ए है और 37 बी है। ठीक है, ऐसा ही करवाया था हमने, फैक्टर बनाना सिखा था मैंने आपको। मैंने कहा 37 ए गुणा में 37 बी, ये हमारी संख्या बन चुकी है, नंबर जिनका ये जिक्र कर रहा है। ये कह रहा है उन दोनों की जो गुणा है वो कितनी है, 6845 है। ठीक है, तो इस साइड ले जाओ इसको, ए बी इजल टू 6845 अपॉन में 37 गुणा में 37, पूरा पूरा जाएगा ये 5 पर। इसका मतलब जो हमारे नंबर है उनका जो जो हमारा रेशो है उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 5 है। ऐसे दो नंबर सोचो जिसकी गुणा कितनी आती हो, 5 आती हो, वो बनता है 1 और 5। ठीक है, ये हमारा अनुपात आ गया है। अनुपात से संख्या कैसे बनाओगे, महत्तम के साथ गुणा कर दो। महत्तम कितना अपना 37, इसका मतलब एक संख्या कितनी है 37 है, दूसरी कितनी होगी 7 × 5 = 35 × 3 = 18 = 185 है ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो बड़ी संख्या कौन सी हुई, बड़ी संख्या हुई अपने 185 और छोटी संख्या कौन सी हुई 37। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था पीछे, ठीक है, जब हमने फैक्टर बनाने सीखे थे उस समय क्या करवा था मैंने, मैंने कहा था दो संख्याओं का जो गुणफल है वो 2160 है, उसका जो महत्तम है 12 है, तो ऐसे कितने टुकड़े बनेंगे। तो आपने वहाँ पर फैक्टर पेयर बनाए थे वहाँ पर, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पहले हम संख्या तैयार करेंगे, उन दोनों की गुणा कितनी है 6845, ये सर जाके भाग हो जाएगा, ए और बी का प्रोडक्ट कितना है 5, ऐसे दो नंबर सोचो जिसकी गुणा क्या आती हो, ठीक है, जिसकी गुणा क्या आती हो 5 आती हो, ये अपनी तरफ से माना मैंने। ठीक है, ये हमारे पेयर है, अनुपात आगे, अनुपात से संख्या कैसे बनाते हैं, गुणा कर दो। एक संख्या हमारी 37 है, दूसरी क्या है 185 है, इसने क्या बोला बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी 185 होगी। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है यदि x इंटू वाई, एक्स गुणा वाई का मतलब है x और y का महत्तम निकालना, ठीक है, और x एट द रेट ऑफ y है उसका मतलब है उसका लघुतम हमें यहाँ पर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसने पूछा है, मतलब इसने बोला कि 72 और 84 का क्या निकालना है, 72 और 84 का महत्तम निकालना है, उसके बाद जो आए उसका महत्तम उसका क्या निकालेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब ये देखो दोनों संख्या किससे डिवाइड होती है, इन दोनों का यदि हम महत्तम निकालें, दोनों का डिफरेंस देखो, डिफरेंस से महत्तम आ जाता है हमारा, डिफरेंस निकालो कितना आया डिफरेंस 12 आया, इसका मतलब महत्तम इसका यहाँ पर 12 मिलेगा आपको। महत्तम क्या है हमारा 12 है, इसका मतलब इसका जो महत्तम आया वो क्या है भाई 12 है, महत्तम हमारा कितना आया है 12 है। ठीक है, इसने कहा 12 का और 144 का जो एलसीएम हो क्या होगा, एलसीएम कितना होगा, एट द रेट का मतलब क्या होता है एलसीएम, और मल्टीप्लाई का मतलब इसने क्या बोला है एचसीएफ। ये कह रहा है इन दोनों का महत्तम निकालो और इन दोनों का क्या निकालना है फिर एलसीएम निकालना, तो कितना आएगा 144 आएगा, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन हमारा ए है। महत्तम निकाल के देख लो आप भाग करोगे, हमें पता है ये नंबर इसको भाग करता है। अब ये हमने देखा इन दोनों का डिफरेंस हमने निकाला भाई 12 तो है ही हमारी संख्या, 72 तो हमारी संख्या है ही, 72 भी भाग होगी उससे, ठीक है, 72 तो है, इसके अलावा एक्स्ट्रा क्या है 12। अब 12 इसको भाग करता है, बिल्कुल करता है, देख लो सही 12 × 7 = 84 भाग करता है। अब इसको देख लो सही 72 को 12 करता है, 12 × 6 = 72, तो इसका मतलब महत्तम क्या होगा हमारा 12 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों का जो महत्तम है वो 12 है, फिर 12 आने के बाद उन दोनों का लघुत्तम क्या होगा 144 होगा, तो वो संख्या क्या हमारी 144 है। ठीक है, नेक्स्ट दो संख्याओं का महत्तम दिया इसने 29 लघुत्तम, और उनके लघुत्तम के अन्य दो गुणखंड है। ये कह रहा है लघुत्तम के अन्य जो दो गुणखंड है वो कितने हैं 15 और 13 है, तो संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी होगी, बड़ी संख्या वही होगी जो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके दो फैक्टर हमारे, ठीक है, 15 और 13, अब दो फैक्टर हमारे हैं, संख्या कैसे बनाते हो आप, गुणा करके, बड़ी संख्या पूछी है तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा लास्ट में 5 आएगा, 5 कौन से में है 435, यही हमारा उत्तर हो जाएगा बी, कर लोगे। नेक्स्ट ये अनुपात दे दिया, फैक्टर का मतलब क्या है, इसका रेशो है ये, ठीक है ना, रेशो दे दिया
जो एक्स्ट्रा बच गया हमारा वो रेशियो है, ठीक है। रेशियो के बाद मैथम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है, संख्या आती है। अगला सेम क्वेश्चन है, 15 और 13 दो फैक्टर हमारे, ठीक है। अब की बार छोटी संख्या पूछी है, ठीक है, छोटी संख्या छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। एचसीएफ की छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 3 = 27, लास्ट में 7 किस में है, 377, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इकाई के अंक से मल्टीप्लाई करोगे तो जल्दी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करे है, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, पहली दो संख्याओं का गुणफल, पहली दो संख्याओं का गुणफल 1891 है और आखिरी दो संख्याओं का गुणफल 7991 है, तीनों संख्याएं बताओ। दोनों अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर की बात कर रहा है, मान लो 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 1, 2 और 3, ठीक है। इसने कहा पहली दो संख्याओं का जो गुणा है, इन दोनों संख्याओं की गुणा कितनी देती भाई, 8191, और आखिरी दो संख्याओं की जो गुणा है, आखिरी दो संख्याओं की जो गुणा है वो कितनी है, 7991, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ जो दूसरी संख्या है ये तो दोनों में कॉमन होगी, दोनों में क्या होगी, कॉमन होगी। इसका मतलब दोनों का जो महत्तम होगा, दोनों का जो महत्तम होगा वो क्या होगा, वो हमारी दूसरी संख्या होगी। सिंपल सी बात है, दोनों में कॉमन, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, दो तीन संख्या है हमारे पास, ठीक है, और तीनों अभाज्य प्राइम नंबर, मान लो ए और बी और सी तीन संख्या है, ठीक है। अब देखो इन दोनों की जब गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या बनेगी, ए बी बनेगी, और इन दोनों की जब हम गुणा करेंगे, इन दोनों की गुणा क्या बनेगी, बी सी बनेगी। तो कॉमन कौन सा हुआ, दोनों में बी हुआ, इसका मतलब जो बी है वो हमारा क्या है, महत्तम होगा। सिंपल सी बात है, क्या होगा, वो महत्तम होगा हमारा, ठीक है। अब देखो, अब इन दोनों का यदि हम महत्तम निकालें, महत्तम निकालो, मैंने कहा था डिफरेंस से भी हम पता कर सकते हैं, डिफरेंस से कैसे पता करेंगे, देखो अब इसको घटाओ, इसको डिफरेंस निकालो, इसका कितना आया, 6100 आया, डिफरेंस कितना आया, 6100, डिफरेंस 6100 आया हमारा, डिफरेंस 6100 आया, 6100 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको ऐसे नंबर में तोड़ो जो प्राइम भी हो, ठीक है। कैसे, 61 × 100 कैसे तोड़ सकते हैं, इसको हम 61 × 100 में तोड़ सकते हैं। इसका मतलब जो दूसरी संख्या है, जो इन दोनों का जो महत्तम है, वो महत्तम क्या आएगा, 61 आएगा, कितना आएगा, 61। इन दोनों का आप महत्तम निकालोगे तो 61 ही आएगा, समझ गए बात। इसका मतलब जो बीच की संख्या है वो 61 है, एक बात तो हमें पता चल गई, जो बीच की संख्या वो 61 है। हमें पता इन दोनों की गुणा, पहली और दूसरी गुणा कितनी है, पहली और दूसरी गुणा हमारी कितनी है, 2100 1891 है। अब 61 से भाग कर दोगे, मतलब एक तो 61 है, दूसरी क्या होगी वो पता कर लो आप, ठीक है, एक हमारी 61 है, दूसरी क्या होगी वो भाग करके पता चल जाएगा, भाग कर दो इसको। तो पहली संख्या कैसे पता करेंगे, 1891 को 61 से भाग कर दो, ठीक है, 61 × 61, ठीक है, 61 तीन के लगा दें, 6 × 3 = 18 होता है, 1, इसका मतलब पहली संख्या क्या है हमारी, 31 है, दूसरी क्या है, 61 है, 31 61, कौन से ऑप्शन है, यही मैच कर रहा है हमारा। तो इसका मतलब तीसरी संख्या कैसे निकालेंगे हम, तीसरी को भी भाग कर देंगे, तीसरी भी ऐसे निकलेगी, तीसरी कैसे निकलेगी, इसको भाग कर देंगे 61 से, तो तीसरी संख्या क्या आएगी, 131 आएगी। इसका मतलब वो संख्याएं हैं 31 61 और 131, ये आंसर, तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। इसने कोई ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था कि वो लगातार है, ऐसा कुछ नहीं बोला, वो रैंडमली कोई भी नंबर बोल रहा था। इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 31 61 और 131 आएगा, कर लोगे, ऐसे करने, आगे देखो, क्या कर रही है, किन दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम का योग, HCF और LCM का जो योग है वो कितना है,
518 है, ठीक है, और उन दोनों का अंतर दे दिया इसने, वो कितना है 518, ठीक है। जैसे हम x और y की वैल्यू सोल्व करते हैं उस तरीके से सोल्व कर दो इसको, लघुत्तम बड़ा होता है तो लघुत्तम माइनस महत्तम करो ना, एलसीएम माइनस में एचसीएफ कितना दे रखा है ये 518, दोनों को जोड़ दूं, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस कट जाएंगे। एलसीएम माइनस एचसीएफ क्यों किया मैंने, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम बड़ा होता है, बड़े में से छोटा कटाएंगे तभी आपका डिफरेंस आएगा, ठीक है। अब यहां से क्या बचा, 2 एलसीएम इज इक्वल टू, जोड़ो इसको, 0 1 1, ठीक है। एलसीएम कितना हो जाएगा 555 हो जाएगा हमारा, एलसीएम हमारा 555 है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, पुट कर दो यहां पर, ये हो जाएगा हमारा एचसीएफ प्लस में 555 बराबर है 592, ये सर जाके माइनस का हो जाएगा, कितना बचेगा हमारा एचसीएफ इजिकल टू 12 से गैप 7, ठीक है, उसके बाद यहाँ से बच गया अपना 8 3, ठीक है, 37 हमारा एचसीएफ है और एलसीएम कितना है 555 है। उसके बाद क्या बोला, दोनों संख्याएं, यदि दोनों संख्याओं का योग, अब योग से हम कैसे निकालते हैं, योग से a प्लस बी कैसे निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, योग बटे में महत्तम, योग कितना अपना 296, महत्तम कितना है, महत्तम हमारा 37 है, ठीक है, कितने पे जाएगा ये 8 या 24, 8 पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ए बी का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, लघुत्तम बटे में महत्तम ए बी निकालेंगे यहाँ से, ठीक है, लघुत्तम बटे में महत्तम, लघुत्तम कितना है 555, महत्तम कितना है 37, ठीक है, कितने पे जाएगा ये 15 पे जाएगा, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिसका योग तो आए 8 और गुणा कितनी आई 15, तो क्या बनेगा 5 और 3, 5 और 3, इसका मतलब जो अनुपात हो कितने हैं 3:5 है, तो संख्या बना दो, अनुपात आ गया अपना 3:5, संख्या कैसे बनाओगे, महत्तम के साथ गुणा करके 37 से गुणा कर दो, 37 से इसकी गुणा कर दो, 37 से इसकी गुणा कर दो, जो भी आएगी वो हमारी संख्या होगी, ठीक है, 111 और यहाँ से हो जाएगा हमारा 185, वो संख्या क्या है 111 और 185, ठीक है। अब देखो ये हमारा अनुपात आया है, अनुपात क्या आया है मैं यहां लिख देता हूं, अनुपात आ गया हमारा 3:5, महत्तम के साथ गुणा करो तो क्या बनेगा, हमारी संख्या बनेगी, महत्तम कितना 37, 111 और 185, तो संख्या 111 और 185 है। देखो इक्वेशन को जैसे सोल्व करते हैं एक्स वाई को, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएंगे, यहां से लघुत्तम की वैल्यू आएगी, लघुत्तम की वैल्यू यहां पुट कर दो, वहां से क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन के अंदर मैंने पुट कर दिया वैल्यू को, ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर पुट किया 555 यहाँ पुट किया, उस साइड जाके घट जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, और मैंने एक फॉर्मूला बता रखा ए प्लस बी निकालने का, योग बटे महत्तम, और एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको ए बी का, लघुत्तम बटे महत्तम, योग आपको दे रखा है कितना 996, 996 बटे महत्तम करेंगे तो 8 आएगा, ये क्या है अनुपातों का योग आया है, अनुपातों का योग कितना है 8, ठीक है, और अनुपातों का गुणफल कितना है 15, ऐसे दो नंबर सोचो जिसकी गुणा तो कितनी आती हो, गुणा 15 आती हो और योग कितना आता हो 8, तो क्या बनेगा 3 और 5, ठीक है, 3 और 5 हमारा अनुपात है, अनुपात से संख्या कैसे बनाओगे, महत्तम के साथ गुणा कर दो वो संख्या आ जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी, ठीक है, ये था हमारा महत्तम और लघुत्तम, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।